हेलो गाइस, माय सेम नवीन निर्मल। आज अपन डिस्कस करेंगे यूटेराइन अबनॉर्मलिटीज के बारे में। ये जो टॉपिक है मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भोपाल एम्स में भी पूछा गया था और मैंने इस टॉपिक को लगभग कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, ब्लरिंग आ रही है, तो एक काम करिए, जहां आपका वीडियो चल रहा है वहां कोने में आपको थ्री डॉट दिखाई दे रही होंगी। जैसे आप थ्री डॉट पर क्लिक करते हो नीचे आपको क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा। क्वालिटी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे वहाँ नीचे आपको 480p 720 360 मिलेगा। आप 480p चूज कर सकते हो, यहाँ पे आपका बेस्ट वीडियो आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं यूटेराइन अबनॉर्मलिटीज। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन और एम्ब्रियोलॉजी की अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इन एम्ब्रियोजेनेसिस जो मुलेरियन डक्ट होती है उसके अबनॉर्मल डेवलपमेंट के कारण जो यूटेराइन अबनॉर्मलिटीज है वो हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि जो मुलेरियन डक्ट है उसका यूटेराइन अबनॉर्मलिटीज से क्या रिलेशनशिप है, तो ये पजल अपन सोल्व आउट करने के लिए एक वीडियो की हेल्प लेंगे और उसमें आपको पता चलेगा कि जो मुलेरियन डक्ट है उसका यूटेराइन अबनॉर्मलिटीज से क्या रिलेशनशिप है। तो अपन चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का ओरिजिन कैसे होता है, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, जो फीमेल जेनाइटल जो ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट कैसा होता है। इन इंट्रा यूटेरियन लाइफ अप्रोक्सीमेट 6 to 8 वीक टू पेड ऑफ मेल एंड फीमेल डक्ट प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो के अंदर। जो मेल डक्ट डक्ट होती है जो ब्लू कलर वाली जो आपको दिख रही है, जो मेल डक्ट होती है उसको अपन वॉल्फेन डक्ट बोलते हैं और जो फीमेल की डक्ट होती है उसको अपन बोलते हैं मुलेरियन डक्ट। जो मेल डक्ट होती है जो उसको अपन मेजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं और जो फीमेल डक्ट होती है मुलेरियन डक्ट उसको अपन पैरा मेजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर वाली दिख रही है वो वॉल्फेन डक्ट है जो मेल डक्ट है, जो पिंक वाली आपको दिख रही है वो मुलेरियन डक्ट जो कि फीमेल डक्ट है। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर वाली जो डक्ट दिख रही है ये यूरेटर्स है और यहाँ पे ये किडनी है, ठीक है। इन इंट्रायूटेरिन लाइफ ये किडनी है, इन इंट्रायूटेरिन लाइफ किडनी को अपन मेटानेफ्रिक किडनी बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको गोनाड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे अपन अभी सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है। ये यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं अपन क्लोका। जो इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ट्रैक है, जेनाइटल ट्रैक है, उसका ये कॉमन चैनल होता है, ठीक है। आफ्टर 8 वीक क्या होता है, जो मेल डक्ट है जो फीमेल डक्ट है उनमें से एक डक्ट है वो ग्रो करेगी, एक्टिव होगी और दूसरी जो डक्ट है वो क्या करेगी, डीजनरेट हो जाएगी, रिग्रेस कर जाएगी। तो सपोज करो अगर जो वॉल्फिन डक्ट है जो मेल डक्ट है वो ग्रो करेगी, जैसा कि आप दूसरी इमेज में यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर वो ग्रो करेगी तो जो साथ में जो मुलेरियन जो डक्ट है वो डीजनरेट कर जाएगी, ठीक है। अगर वॉल्फिन डक्ट है वो एक्टिव होगी तो जो गोनाड्स हैं वो टेस्टिस में चेंज हो जाएंगे और जो मुलेरियन डक्ट है वो धीरे धीरे डिजनरेट यहाँ से हो जाएगी और इसका एक रेमिनेंट भी बनेगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका रेमिनेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये यूरिनरी ट्रैक बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे जो देख रहे हो ये यूरेथ्रा बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये वॉल्फिन डक्ट है वो डेवलप होगी, एक्टिव होगी, तो वो मेल के अंदर जो जेनाइटल ऑर्गन है, मेल के जो जेनाइटल ऑर्गन है उनको डेवलप करेगी, वो उनको बनाएगी। तो कौन से ऐसे ऑर्गन है जो मेल के अंदर है वो वॉल्फिन डक्ट के डेवलपमेंट के कारण बनेंगे, तो वो है सेमिनल वेसिकल, इजेकुलेटरी डक्ट, एपिडिडिमिस और वास डिफरेंस, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है सीव, सीव के नाम से मैंने यहाँ पे लिखा है सेमिनल वेसिकल, इजेकुलेटरी डक्ट, एपिडिडिमिस और वास डिफरेंस। ये यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है वास डिफरेंस, ये यूरेथ्रा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अगर मुलेरियन डक्ट है वो एक्टिव होगी, वो ग्रो करेगी, तो जो जो मुले जो वॉल्फिन डक्ट है वो डीजनरेट हो जाएगी, दोनों में से एक एक्टिव होगी और एक डीजनरेट हो जाएगी। तो अगर मुलेरियन डक्ट है वो एक्टिव होती है तो फीमेल के अंदर कौन से जेनेटल ऑर्गन है वो बनेंगे उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जो गोनाड्स हैं वो ओवरी में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और जो वॉल्फियन डक्ट है वो डिजेनरेट कर जाएगी, इसका भी रेमिनेंट बनता है। मैं भी वो रेमिनेंट आपको बताऊंगा लास्ट में कि इसका रेमिनेंट लास्ट में क्या बचता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर बनेगा, यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है दोनों साइड में, यहाँ पे यूटरस बनेगा और यहाँ पे नीचे क्या बनेगा, वेजाइना। तो इस इमेज से बस
सुपरफिशियल आपको पता चल रहा है, अपन दूसरी इमेज की हेल्प लेंगे और उसे समझेंगे कि कैसे जो मुलेरियन डक्ट है वो जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है उनको डेवलप करती है। सबसे पहले एक बात आप ध्यान रखना, जो मुलेरियन डक्ट है उसका डेवलपमेंट है वो थ्री फेज के अंदर होता है। सबसे पहले मुलेरियन डक्ट है वो डेवलप होगी, सबसे पहले क्या होगा, मुलेरियन डक्ट है वो डेवलप होगी, मुलेरियन डक्ट होगी वो डेवलप होगी, उसके बाद में वो क्या करेगी, ज्वाइंट होगी, एक दूसरे से ज्वाइंट होगी, जैसे ही ज्वाइंट होगी ठीक है, उसके बाद में ज्वाइंट होने के बाद में जो सेप्टम है वो धीरे धीरे रीअब्जॉर्ब होगा, ऐसे रीअब्जॉर्ब होगा ठीक है। जैसा कि आप, मैं इमेज के थ्रू आपको समझा देता हूँ, जैसे ही ये यहाँ पे बनी, बनने के बाद में ये एक दूसरे से फ्यूज हुई ठीक है, जुड़ी, जुड़ने के बाद में वो आगे जाके ऐसी स्ट्रक्चर में चेंज हुई जहां पे आपको ये सेप्टम दिख रहा है ये वाला ठीक है। जब जुड़ेगी तो यहाँ पे जुड़ेगी तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मुलेरियन डक्ट है, वो जैसे ही जुड़ेगी और बनेगी, बनने के बाद में जुड़ेगी, जुड़ने के बाद में वो आगे जाके जैसे जैसे गेस्टेशनल एज बढ़ेगी वो आगे जाके ऐसी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ओविडक्ट बनेगी, और जो क्लोका है जैसा कि मैंने बताया था, क्लोका है वो यूरोजेनाइटस हाइनस में चेंज हो जाएगा। फिर जैसे जैसे गेस्टेशनल एज बढ़ेगी तो वो ऐसी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे आपको यूटरस दिखाई दे रहा है, ये यूटरस बनेगा, ओविडक्ट बनेगी, यहाँ पे एक यूरोजेनाइटस हाइनस से एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको अपन बोलते हैं साइनोवेजाइनल बल्ब। यहाँ से ये चेंज होगा, जैसे जैसे गेस्टेशनल एज बढ़ेगी ये चेंज होगा ऐसी स्ट्रक्चर में, और ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, एक जेनाइटल ऑर्गन की नॉर्मल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको देख रहे, आप यहाँ देख पा रहे हो ओविडक्ट है जिसको अपन फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये यूटरस बन चुका है, यहाँ पे सर्विक्स बन चुका है, और यहाँ पे वेजाइना बन चुका है। ध्यान रखना जो मुलेरियन डक्ट है उससे फिलोपियन ट्यूब बनेगी, यूटरस बनेगा और सर्विक्स बनेगा, और 2/3 ऑफ वेजाइना बनेगा। जो नीचे वाला जो 1/3 जो वेजाइना है वो हमेशा साइनोवेजाइनल बल्ब से बनता है, तो ये आप ध्यान रखना। अभी मैं एक टेबल के थ्रू आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या बनेगा। यहाँ देख लो ओवरी है, जो गोनार्ड्स मैंने जो बताए थे, गोनार्ड्स है वो अगर मेल जो वोल्फियन डक्ट अगर एक्टिव होगी, ग्रो होगी तो उसमें टेस्टिस में चेंज हो जाएगा, और जो मुलेरियन डक्ट है वो ग्रो करेगी तो वो गोनार्ड्स है वो ओवरी में चेंज हो जाएंगी। तो जो ओवरी का जो ओरिजिन है वो किन से होता है, जेनाइटल रिज से, जेनाइटल रिज से होता है। जो फ्लोपियन ट्यूब है, यूटरस है, सर्विक्स है, और अपर 2/3 ऑफ वेजाइना है वो किससे बनेगा, मुलेरियन डक्ट से बनेगा, किससे बनेगा, मुलेरियन डक्ट से बनेगा, किससे बनेगा, मुलेरियन डक्ट से बनेगा। और जो लोअर 1/3 वेजाइना है वो साइनो वेजाइना मतलब वो यूरोजेनाइटस साइनस से बनेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो मुलेरियन डक्ट से कौन सा क्या बन रहा है, फ्लोपियन ट्यूब है, यूटरस है, सर्विक्स है, और अपर 2/3 ऑफ वेजाइना है। अगर मुलेरियन डक्ट में प्रॉब्लम होगी तो ये जो फ्लोपियन ट्यूब है, यूटरस है, सर्विक्स है, अपर 2/3 ऑफ वेजाइना है, इनके डेवलपमेंट में भी एरर आएगा। अगर मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट में एरर होगा तो इनके डेवलपमेंट में भी एरर होगा, लेकिन ओवरी के और लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना के डेवलपमेंट में एरर नहीं होगा, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो जेनेटल रिज से होता है और साइनोवेजाइनल ब्लब से होता है, क्योंकि इसका मुलेरियन डक्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये दोनों नॉर्मल फंक्शन करेंगे अगर मुलेरियन डक्ट अगर अबनॉर्मल होती है तो। मैंने पहले भी बताया कि जो मुलेरियन डक्ट है वो 3 फेज में डेवलप होती है, तो मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट में अगर एरर होता है तो वो यूटेराइन अबनॉर्मेलिटीज को कोच करता है। अब मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है, सबसे पहले मुलेरियन डक्ट बनेगी, अगर मुलेरियन डक्ट बनते टाइम पर अगर एरर होता है तो वो यूटेराइन अबनॉर्मेलिटीज को कोच करेगी, उसके बाद में वो मुलेरियन डक्ट है वो फ्यूज होगी, जैसे यहाँ पे फ्यूज हो रही है, जैसे वो फ्यूज होगी, अगर फ्यूज होने के टाइम पे उसके अंदर कोई एरर होता है, उसके डेवलपमेंट में कोई एरर होता है तो भी वो यूटेराइन अबनॉर्मेलिटीज को कोच करेगी। उसके बाद में क्या होगा, फ्यूज होने के बाद में वो ऐसे जब फ्यूज होगी तो धीरे धीरे वो सेप्टम है यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा, जैसे जैसे सेप्टम है वो रीअब्जॉर्ब होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, ये सेप्टम है ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट इमेज में देखो, यहाँ तक ये सेप्टम यहाँ से गायब हो गया, फिर यहाँ से पूरा कंप्लीट गायब हो गया ठीक है। अगर ये सेप्टम धीरे धीरे रीअब्जॉर्ब हो रहा है, उसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है, उसके डेवलपमेंट में अगर एरर आ रहा है तो भी यूटेराइन अबनॉर्मेलिटीज हो सकती है ठीक है। तो इनका मैंने ऑर्गन का जो ओरिजिन है वो मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से ओवरी बनती है, फ्लोपियन ट्यूब किससे बनती है, यूटरस किससे बनता है, सर्विक्स किससे बनता है, लोअर 1/3 वेजाइना किससे बनता है। अब बात करते हैं अपन एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, कि जो क्लाइटोरिस है, लिबिया मेजोरा है, लिबियो माइनोरा है, वो किससे बनेगा, उनकी ओरिजिन कैसे होगी, तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट जो इमेज है उससे। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, इस इमेज में जो आपको जो
येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है उसको अपन बोलते हैं जेनाइटल ट्यूबरकल, जो आपको ब्लू कलर का जो पार्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं अपन जेनाइटल स्वेलिंग, जिसको अपन लेबियो सेक्रोटल स्वेलिंग भी बोलते हैं। और जो ग्रीन कलर का आपको पार्ट दिख रहा है ग्रीन कलर वाला, उसको अपन बोलते हैं जेनाइटल फोल्ड, जिसको अपन यूरो जेनाइटल फोल्ड भी अपन बोलते हैं। जो बीच वाला जो मिडिल पार्ट है उसको अपन बोलते हैं यूरो जेनाइटल साइनस, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये बताया था मैंने यहाँ पे। ठीक, अब बात करते हैं कि जेनाइटल ट्यूबरकल अगर एम्ब्रियो है वो आगे जाके मेल बेबी बनता है तो जेनेटेड ट्यूबगल से ओरिजिन किसका होगा? पेनिस का होगा। अगर वो फीमेल बेबी बनता है तो जेनेटेड ट्यूबगल से क्या बनेगा? क्लाइटोरिस बनेगा। अब बात करते हैं ब्लू वाले से, जो जेनेटेड स्वेलिंग से, अगर वो मेल बेबी बनता है तो जेनेटेड स्वेलिंग से किसका ओरिजिन होगा? स्क्रोटम का। अगर वो फीमेल बेबी बनता है तो जेनेटेड स्वेलिंग से किसका ओरिजिन होगा? लीबिया मेजोरा का। अब बात करते हैं अपन जेनाइटल फोल्ड की, जो ग्रीन वाला पार्ट है उसका। अगर मेल बेबी बनेगा तो जेनाइटल फोल्ड से किसका ओरिजिन होगा? पेनाइल यूरिथ्रा का। अगर वो फीमेल बेबी बनेगा तो जेनाइटल फोल्ड से किसका ओरिजिन होगा? लेबिया माइनोरा का। अब बात करते हैं अपन यूरोजेनाइटल साइनस की। अगर मेल बेबी बनेगा तो यूरोजेनाइटल साइनस से क्या बनेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड बनेगी। और क्या बनेगी? काउपर्स ग्लैंड बनेगी। अगर फीमेल बेबी बनेगा तो क्या बनेगा? स्किन्स ग्लैंड बनेगी और बोर्थोलिन ग्लैंड बनेगी। अब थोड़ा अपन मैं बता देता हूँ, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक फ्लूड है, वो सिक्रेट करती है। मेल के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो यूरेथ्रा के चारों ओर प्रेजेंट होती है, और एक फ्लूड सिक्रेट करती है जो कि जो स्पर्म है उनको न्यूरिश करता है और उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, सेम इसी तरह इधर स्किन्स ग्लैंड है जो कि फीमेल यूरेथ्रा के चारों ओर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको अपन पैरा यूरेथ्रा ग्लैंड भी बोलते हैं। स्किन्स जो ग्लैंड है वो सेक्सुअल स्टिमुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए ल्यूब्रिकेशन का काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं काउपर्स ग्लैंड की। काउपर्स ग्लैंड को बल्बोथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। काउपर्स ग्लैंड है वो भी एक फ्लूड सिक्रेट करता है जो कि प्री इजेकुलेशन फ्लूड फ्लूड होता है। वो जो यूरेथ्रा के अंदर जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है, और स्पर्म वहां से जाएंगे उसके लिए वो पासेज है उसको प्रिपेयर करता है यूरेथ्रा के अंदर एसिडिटी को कम करके। ठीक है, जो बार्थलिन ग्लैंड है वो एक म्यूकस सिक्रेट करती है जो कि वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम करता है। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेनिस का होमोलोगस ऑर्गन कौन सा होता है, स्क्रोटम का होमोलोगस ऑर्गन कौन सा होता है। जो होमोलोगस वर्ड है उसका मतलब है कि स्ट्रक्चरली सेम ओरिजिन, फंक्शन में भी डिफरेंस, कि उसके फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं बट उनका ओरिजिन है वो सेम होता है। अब यहाँ देखो जेनेटेड ट्यूबरकल का से मेल के अंदर पेनिस बन रहा है और उधर क्लाइटोरिस बन रहा है, तो इनके दोनों का ओरिजिन सेम हो गया, तो ये एक दोनों के क्या हो गए? होमोलोगस हो गए। अब जेनेटेड स्वेलिंग है, इनका क्या हो गया? जेनेटेड स्वेलिंग है उससे स्क्रोटम बन रहा है, लेबिया मेजोरा बन रहा है, तो ये एक दूसरे के होमोलोगस हो गए। इसी तरह ये सारे क्या हो गए? एक दूसरे के होमोलोगस हो गए। एक वर्ड आता है एनालोगस। एनालोगस का मतलब होता है फंक्शन सेम, ओरिजिन में भी डिफरेंट, कि उनका फंक्शन सेम होगा, ओरिजिन है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अभी इनमें से मैं बता देता हूँ जो एनालोगस कौन सा है। पेनिस का एनालोगस क्लाइटोरिस होता है, स्क्रोटम का एनालोगस लेबिया मेजोरा होता है, और जो काउपर्स ग्लैंड है उसका एनालोगस बोर्थोलिन ग्लैंड होता है। आप होमोलोगस एनालोगस में अगर कंफ्यूज होते हो तो होमोलोगस का मैं बता देता हूँ, होमा से बना होम, और होम हमेशा स्ट्रक्चरली होता है, तो आप स्ट्रक्चरली ओरिजिन आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये था आज का टॉपिक, और अभी आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जो फीमेल के अंदर जो जेनेटल ऑर्गन है वो कौन से पार्ट से डेवलप होते हैं, उनका ओरिजिन किस पार्ट से होता है, और मेल के अंदर कौन सा होता है। तो अब पढ़ेंगे अपन आगे जाके कि यूटेराइन अबनॉर्मलिटीज। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर सकता हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो का सेकंड जो पार्ट है वो आप नवीन नर्सिंग एकेडमी पे आप देख सकते हो। सो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।